अस्सलामुअलैकुम सर, आज सबसे पहले तो सवाल ये है कि आज यहाँ पर आप लोग करीम मियां शादी हॉल के अंदर क्यों जमा दिए हैं सर? ये इलेक्शन प्रोसेस है, कैरा वसी में जमा है, लोग बताने के अंजुमन में हमने क्या किया, हमें डेवलपमेंट क्या किया बताने के लिए जमा हुए, जरा कर आप वोट मांगने के जमा। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर जमा हुए सर? कम से कम 1000 लोग जमा है। ठीक है, इसी तरीके से एक अपोजिशन का आपके ऊपर एक एलिगेशन है, उसको आप साफ करने के लिए हम सवाल आपसे कर रहे हैं कि जो जहाँ पर बहरी द्वार कप्पा के अंदर जो दरगाह है, जब उसको डेमोलिश किया गया, शहीद कर दिया गया दरगाह और मस्जिद को, उसके बाद में आप सीएम बसुराज बोम्मैया से मिले और उनके यहाँ घर पर जा करके आप एक तस्वीर में आए, उसमें मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं सर, तो आप वो जो मुस्कुरा रहे थे, क्यों मुस्कुरा रहे थे सर? क्या ऐसा कोई चुटकुला वहाँ पर हुआ था, कोई हंसी की बात हुई थी, क्यों मुस्कुरा रहे थे? ये मुस्कुराना मेरे लिए नहीं था, एनडीसी को उन्होंने सवाल किया था, दोनों मुस्कुरा रहे थे, मैं नहीं मुस्कुरा था, गम जता था। आप भी दो तस्वीर में है सर? हमको बुलाया गया था, पब्लिक के लोगों को, अंजुमन को बुलाया था, हम इसलिए गए थे, इसलिए घर के हमें रब्ता खाया, हमें कहा कि हमारे ईदगाह के लिए दरगाह के लिए 5 एकड़ जमीन दी जाए, 2 करोड़ रुपये एक्सेशन दिया जाए। अच्छा, ठीक है सर। इसी तरीके से खास करके बहुत ज़्यादा ये सवाल आ रहा है अवाम उन्नास के ज़रिए से, जो बच्चे अब तक जो जेल में हैं, अगर आप जीतते हैं या नहीं जीतते हैं तो कैसे आप उनको बाहर निकालेंगे, क्या उसके लिए इकदाम होंगे सर? सब वादा करता है और पूरा करता है, मैं जीत पाना नहीं ना अल्लाह के सबूत भी करता हूँ, बच्चों की सबूत करता हूँ, आयत भी करूँगा, नई आयत भी हर की करके दिखाऊंगा, हम सब ताकत अल्लाह दिया हमें। रमजान का महीना था। अच्छा, अपोजिशन का कहना ये भी है, जिस दिन इंडीपम दरगाह के सामने जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर एक फसाद हुआ था, वहाँ पर एक बहुत ज़्यादा एक हल्ला गुल्ला हुआ था, जिसकी वजह से आपको कॉल किया गया, मगर आप कॉल उठा करके उस दिन आए नहीं करके, ऐसा एलिगेशन आप पर है सर? लोग आए सर, लोगों की आदत झूठ बोलने की, रमजान महीने में झूठ बोला जाता नहीं है, रोज़ा था, मुझे फ्लू हो गया था, करते बहुत ज़्यादा काँप रहा था, दवा डॉक्टर साहब का दवा लेके आराम करता, फिर हमको होने 11 भी मालूम पड़े, आता पितर ने फोन किया। आपके बिहाफ यहाँ पे कौन थे सर? हमारे मड़की साहब को सब लोग देख रहे थे, सब लोग हमारी टीम पूरी थी ना। सुबह मॉर्निंग की बात कौन है पूछो, सुबह सेकंड डे मॉर्निंग किसी ने नहीं आया, कौन है? सोनू साहब भी पूरा लड़ते रहे, करते रहे, वकीलों लेकर बटा रहा, आर्ग्यूमेंट करता रहा, हमारे बच्चों बेखसूर लगता रहा, हम ही थे ना, आप किधर थे? आप मार पड़ा बोल के हाथ पट्टी बांध के चले गए यहाँ से, आप लोग किसको बचाना, बचाया अपने भाई बच्चों को लेके वापस चले गए, दूसरों को अटका के चले गए आप। दूसरी टीम वाले बता रहे हैं कि आप बच्चों को आप मौजूद नहीं थे, इस वजह से उनको आतंकवादी का केस लगाया गया। आतंकवाद केस लगा, चौहान साहब का संबंध है, ये मामला कानून का है, पुलिस डिपार्टमेंट का है, मेरा नहीं है, मैं क्या सीएम हूँ क्या? सीएम ने ये काम इंडस्ट्री को सवाल कीजिए कि वो वक्त के मिस्टर थे, बम्बई के साथी थे, दोनों में कलेक्टर था, उनको पूछना चाहिए ना, उनको जाकर यूएपी में उठा करना चाहिए था, तो सर बम्बई से मैं तो 7-8 आदमी हूँ। अच्छा, इसी तरीके से अपोजिशन का ये भी एक सवाल आ रहा है, आप पर इल्ज़ाम है कि जब वो अरेस्ट हुए थे उस वक्त ही आप जा कर के प्रहलाद जोशी या फिर बसुराज बोम्मैया से मिल करके तुरंत आपने रिहाई की मांग क्यों नहीं की सर? 3 दिन तक आपने क्यों वेट किया सर? एक बात बताओ आपको जी, किसी को लेट जाकर फोटो कार्ड व्हाट्सएप करने का नहीं है जी, सेक्टर पास भी गया, प्रहलाद जोशी पास भी गया, 3 दिन लगातार 3 दिन मुलाकात करने जाए इनकार कर दिया, नहीं मिला उसे, वापस आ गए। रिहा करने का मामला कोर्ट का होता है, गवर्नमेंट उठा कर तो केस वापस जाता है। अच्छा, जब 3 दिन तक उन पर कोई चार्जशीट नहीं हुई थी, कोई FRI नहीं हुआ था करके ऐसा अपोजिशन का कहना है, तो 3 दिन आप एक काम कर लीजिए, 17-18 का FR, 17-18, 19-20 का FR देख लीजिए, आपको मालूम नहीं है, सोनू साहब पास रिकॉर्ड है मेरे पास, मैं ही तो डील कर रहा हूँ ना, 16 के बाद रात, 16 की रात शुरू हुआ, 17-18, 19-20 का 4 दिन के लगातार FR है। इस बार जो आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपका मैनिफेस्टो क्या है? मैनिफेस्टो इंशाल्लाह अभी जाहिर नहीं करूँगा, आगे जाहिर करूँगा 2 दिन पहले करूँगा। पब्लिक में तो आ गए सर, पब्लिक में मैं थोड़ा ही बता रहा हूँ, हिडन एजेंडा है, सस्पेंस, वेरी वेरी मच सस्पेंस, मैं चाहता हूँ कि उनका पहले आज मैनिफेस्टो आ जाए, बाद में उसमें मैं अपना लगाऊंगा, जब लोगों को मालूम पड़ेगा। इसी तरीके से जो आपने इस बार जो है ऑटो का सिंबल लिया सर, तो ऑटो का सिंबल लेकर के आप क्या साबित करना चाहते हैं? मैं ऑटो का सिंबल लेकर साबित करना चाहता हूँ कि हमारे सिद्धरामैया जी ने जो 5 गारंटी दिया है उसमें एक बस फ्री कर दिया है,
ये बस फ्री करने से हमारे ऑटो चालकों को, हमारे ड्राइवर्स को तकलीफ हो रही है, रोजी रोटी के कम हो गई है, पहले ज्यादा कम हो गई है, ये रोटी रोजी करते करते बच्चों के तालीम का खर्चा पूरा करना बहुत दुश्वार है। कई ऑटो ड्राइवर मेरे पास आए, सर हमारे पास पैसे फीस भरने पैसा नहीं है, ये मामला गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका ने गारंटी दे दिया है, तो ट्रैवलिंग हो रहा है, हमको कोई पैसेंजर नहीं मिल रहा है, माफ करो। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना हमारे ऑटो ड्राइवर्स का मदद की जाए, जो मिसाबली से उनको जो फीस में है आधी कर 50% फीस लेकर उनको सुकून दिया जाए, उनके बच्चों पढ़ा जाए। अच्छा, अपोजिशन का कहना यह भी है सर कि जो अंजुमन इस्लाम का जो एजुकेशन का ग्राफ वो डाउन होता जा रहा है सर, तो उसकी आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे? अंजुमन में रहेंगे तो बाल पड़ेगा ना, आप अंजुमन कट्टे चढ़े नहीं तो क्या कर अपन होगा। 100% रियल डिप्लोमा कॉलेज, 100% रिजल्ट, रिजल्ट पी यू सी का, सेकेंड ईयर का 100%, जाके कट ऑफ हाई स्कूल का 98.7%, गर्ल्स हाई स्कूल का 98.7%, और सबसे ज्यादा 5 गोल्ड मेडलिस्ट नेहरू कॉलेज के हैं, 5 गोल्ड मेडलिस्ट, कभी तारीख में पढ़ा था क्या भाई, देखा था ऐसे बगैर झूठे एग्जाम लगाने से फायदा नहीं है, ये रिकॉर्ड है, आप 5 का गोल्ड मेडलिस्ट हैं, 4 उर्दू के, 1 इंग्लिश का गोल्ड मेडलिस्ट। अच्छा, इसी तरीके से जो भी अंजुमन इस्लाम से जो वहाँ से पढ़ रहे हैं, कितने बच्चों ने मेडिकल सीट में, इंजीनियरिंग सीट में अपनी सीट ली सर? ये एनालिसिस करना अभी मुश्किल है, लोग आएंगे तो इंशाल्लाह मालूम पड़ेगा ये बच्चा सीट में, हमें चाहते हैं इस बार सीट नीट का पूरा एहतमाम किया जाएगा, आईएएस केएस कोचिंग का भी एहतमाम किया जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से और एक लास्ट आवाम का सवाल है सर, आवाम की एक डिमांड है, जो अंजुमन रॉयल हॉल है उसके बाजू में एक बिल्डिंग है वहाँ सर, वर्किंग वुमेन्स वर्किंग बोल करके एक वुमेन्स कॉलेज है, वुमेन्स हॉस्टल है जो भी है, वहाँ के जो लोग हैं स्पेशली जो येल्लापुर गली के, पाटिल गली के जो लोग हैं उस तरफ अतराफ अकनाप के लोग चाहते हैं कि उसको आप हॉस्पिटल में तब्दील किया जाए, क्योंकि स्टेशन रोड में जो हॉस्पिटल है वो बहुत ज़्यादा दूर है, तो ट्रैवलिंग के लिए दिक्कत, वहाँ पर भीड़ भाड़ के लिए दिक्कत, जो जाने आने के लिए दिक्कत, बहुत सारे वहाँ पर मामला होते हैं, तो क्या अगर आप जीत कर आएंगे तो उस बिल्डिंग को हॉस्पिटल बनाएंगे? आप मेरे को हाथ लगा रहे हैं जी, जी आपका सवाल में मैंने पीछे हाथ लग रहा है, वो बिल्डिंग जो हमने ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट भेजा है और सेंट्रल गवर्नमेंट भेजाएंगे, वुमेन्स हॉस्टल है, हम चाहते हैं कि वो हमारा जो खोलपेट का स्कूल है उसको वहाँ पर शिफ्ट किया जाए, बनाया जाए, ताकि खुला मैदान मिलेगा बच्चों के लिए खेलने कूदने के, वहाँ पर कूदने ट्रैफिक है, हम चाहते हैं कि वो बिल्डिंग गिराना है हमें, इसलिए हमें दरख्वास्त की है कि UGC की दरख्वास्त की है कि ये जो हॉस्टल वुमेन्स हॉस्टल है तब तक हमारा नई बिल्डिंग बनाना था, हमको उसमें यूटिलाइज करने के लिए बच्चों के लड़के इस्तेमाल करने लेटर दिया गया, चलो जल्द से वो अप्रूव आ जाएगा, चलो हाई स्कूल गर्ल्स हाई स्कूल से खोल पिट के चलो हम एजुकेटिव कौंसिल में रखकर उसको पास करेंगे। अच्छा, एक लास्ट आखिरी सवाल है सर, ये बहुत ज़्यादा आ रहा है हमारे को, कमेंट्स आ रहे हैं इसके, कि जो भी हॉस्पिटल बोर्ड के अंदर, जो हॉस्पिटल के अंदर जो भी ट्रीटमेंट लेते हैं, तो आप उनका इल्ज़ाम ये है कि वहाँ पर ट्रीटमेंट होने के बाद में जो बाहर प्राइवेट हॉस्पिटल में 20,000 की बिल होती है, आप उसको 40,000 करके 20,000 कम करते हैं करके इल्ज़ाम है सर, क्या ये बात सही है? बहुत गलत, बहुत गलत बात है। हमने हमारे माए भरे आते हैं, जो साहबाब आते हैं, जो फीस है उसमें 20,000 में झगड़ा करके रिक्वेस्ट करके 15 करके जाते हैं, 40 को 20 नहीं करते हम लोग, ये काम हम लोग नहीं करते, जो है कानून से है नहीं करते, 20 होता है तकलीफ में है गरीब है उसको फीस हम लोग माफ भी करते हैं। हमारे काम हमारे अवयाम का मैसेज है कि हमारे काम को देखो, हमने 5 साल तक हमारा काम देखा है, तरक्के दिए, सख्त के सख्त दिक्कत के दिन में हमने काम किया है, ये हमारे आजमाइश का था, किसी भी सदर को इतने दिक्कतें, NRC NPR बच्चों का मामला, कोरोना वगैरह नहीं है, ऐसे नाजुक इसमें भी हमने साबित खदम होकर खड़े के काम किया है, ये अल्लाह का करम है, ऐसा अजीब है। हमारे इसमें नए कैंडिडेट को इसी में एजुकेट कौंसिल लिया गया है, नहीं हमारे जो पहले से 5 साल से 10 साल से काम कर उनको ही प्रमोशन दिया हो, ऊपर हार के ला के उनको खड़ा करने से हमारे लोग प्रमोशन लगे, उनको प्रमोट किया गया है और एग्जीक्यूटिव कौंसिल में नए आदमियों को हर मोहल्ले से लेने की हम कोशिश की, ताकि हमारा वोट बैंक अच्छा बने, मजबूत बने, आप देख रहे हैं कितना मजबूत हो गया है कि अभी हम डिक्लेयर करने के चांसेस में है, क्योंकि अतः मजबूत है हमारे आगे। अच्छा।